हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सर्किट टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिक्स प्रॉक्स एप्लीकेशन के बारे में। गाइस, एप्लीकेशन होता है क्या और किस प्रकार से काम करता है, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये एक फ़ोटो और वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पर आप अपने फ़ोटोज़ को जो यहाँ पर सॉन्ग चलेगा उसके ऊपर बड़ी आसानी से लगा के आप अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं या फिर उस फ़ोटोज़ के अंदर वीडियोस क्रिएट करके अपना फोटोज़ किसी और फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं। जो सॉन्ग जो चलता है, जैसे कि ये ट्रेंडिंग सॉन्ग रहते हैं और सॉन्ग के ऊपर जैसे अपन फोटोज़ ऐड करना चाहते हैं अपने कवर पेज पे, तो उसको कैसे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को यहाँ पर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसका नाम यहाँ पर दिया पिक्स प्रॉज इफेक्ट एंड प्रॉक्स वीडियो मेकर एप्लीकेशन, जिसके अंदर यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ चीज़ मिल जाएंगी। तो चलिए करते हैं मैं एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन। कुछ सेकेंड का यहाँ पर टाइम नहीं है तो इसके लिए डायरेक्टली हम इसको कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे इस प्रकार से ओपन होगा और लोड लेगा। तो दोस्तों, यहाँ से अपन डायरेक्टली कर लेंगे इसको ओपन और ऐड को कर देना यहाँ से क्रॉस। ऐड को क्रॉस करने के बाद कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार से चलता रहेगा। जो ये सॉन्ग चल रहा है मेरी वीडियोस के अंदर, जो सॉन्ग के ऊपर यहाँ पे अगर आप यहाँ इस फोटोज़ की जगह अपना फ़ोटोज़ एडिट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि यहाँ पर ट्रेंडिंग चीज़ें दी हुई है। तो इस ट्रेंडिंग चीज़ के अंदर जो आपको अपना फ़ोटोज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना फ़ोटोज़ ऐड भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए करते हैं, मैं किसी भी चीज़ को एक इस चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ को, जैसे कि फ़ोटोज़ ऐड करना है तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उस चीज़ को डाउनलोड। तो इस प्रकार से जैसे आएगा तो ये क्रिएट प्रॉक्स पे इस पर टच कर लेना है यहाँ पे और ऐड को कर देना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि दोस्तों सुपरस्टार जैन मलिक का है वो फोटोज़ ले लिया है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो इस फोटोज़ को यहाँ पे वीडियोज़ चल रही है, अगर साइट में जैसे कि यहाँ देख रहे रोटर यहाँ पर अगर इसको मैं फ़ोटोज़ कर दूँगा तो ओनली फोटोज़ हो जाएगा। तो ये फोटोज़ एडिट होगा, इसके अंदर फोटो एडिट हो चुका है और बाजू में कर दूँगा तो वीडियोज़ चलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से वीडियोज़ ये इफेक्ट है, यहाँ पर अगर इफेक्ट करना है जैसे कि अगर क्रॉप करना है किसी चीज़ को तो इफेक्ट है, एड म्यूज़िक है, यहाँ पे एडिटेड टेक्स्ट है। तो एडिटेड टेक्स्ट पे यहाँ पे अगर टच करूँगा मैं तो यहाँ पे एडिटेड जो सुपर स्टार नाम आ रहा है यहाँ पे, ये चेंज करके आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली नाम डाल लिया बंदे का तो डायरेक्टली यहाँ पे नाम भी आ सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से फोटो एडिट होते हैं। तो इस प्रकार से अगर वीडियोस एडिट करना या फिर फोटोज़, जैसे फोटोज़ एडिट हो गया, ये वीडियो एडिट हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई है। तो बहुत सारी कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरीज को आप चूज़ करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऊपर कैटेगरीज जैसे मूवी पोस्ट रिचर यहाँ पे प्रोफाइल फोटोज फोटो आर्ट वेडिंग्स गुड्स बर्थडे फेस्टिवल्स नियर बाय लव और ट्रेंडिंग। तो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे सॉन्ग अगर चेंज करना चाहते हैं अपन तो ऐड सॉन्ग पर टच कर लेना। ऐड सॉन्ग पर टच करने के बाद यहाँ पे टोटली सॉन्ग अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन सॉन्ग। ऑनलाइन सॉन्ग पे अगर यहाँ पे मैं टच कर लेता हूँ तो ऑनलाइन सॉन्ग टोटली यहाँ से जैसे कि है, तो ये टोटली सॉन्ग पर मैं टच कर लेता हूँ यहाँ से। तो इस प्रकार, तो दोस्तों मैंने सॉन्ग चेंज कर चुका हूँ यहाँ पे, तो इस प्रकार से सॉन्ग चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे लास्ट में जैसे सेव का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे मैं टच कर देता हूँ तो यहाँ पे वीडियोस रूटेड होके सेव हो जाएंगे। तो इसके अंदर सेव हो जाएंगी वीडियोस अपनी। तो इस प्रकार से वीडियोस इसके अंदर क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से वीडियोस इसके अंदर क्रिएट होकर अपना जो कि बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन यूज़ होता है। तो इस प्रकार से वीडियो इसके अंदर वीडियोस क्रिएट होती है। जो वाटरमार्क इसके अंदर दिख रहा है दोस्तों, तो वाटरमार्क अपन ऐड देख के वाटरमार्क रिमूव भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का। तो बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। एक बार एप्लीकेशन को बड़ी एक बार यूज़ करके देख लेना आप, तो बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगेंगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।